हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है मैं एक न्यू गेम खेले जा रहा हूँ, उस गेम का नाम है हेलो नेबर। और इधर पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो है एक घर है, और इस घर में जो है भाई मेरे दोस्त को इधर पे किडनैप कर दिया। भाई ये अंकल इतने ज्यादा पागल है ना भाई, मतलब पागल भी है ये, एक नंबर के क्रेजी भी है ये। लेकिन इस घर में जो है, इसकी बेसमेंट में भाई मेरे दोस्त को किडनैप कर लिया है, और मेरे को जो है उसको छुड़ाने के लिए जाना पड़ेगा। और वैसे मतलब जैसे बचपन में होता नहीं क्या, जैसे हम खेलते हैं तो कोई ना कोई एक अंकल तो ऐसा पागल टाइप का रहता ही है, जो भाई बच्चों की बॉल उठा देता है, या तो बच्चों को ही भैन कर... अच्छा बच्चों को नहीं उठाता है, इधर पे बच्चों की बॉल उठा देता है। भाई ये एक नंबर का क्रेजी बंदा है, इसने बच्चे को ही उठा लिया और बॉल तो बाहर छोड़ दी और बच्चे को ही उठा लिया। चलो कोई नहीं, इधर पे जो है मेरे को ये सब उठाना पड़ेगा। और इधर पे जो है इसके घर के एंट्रेंस पता है मेरे को कहाँ से करनी पड़ेगी? भाई सीधा गेट से तो नहीं करनी पड़ेगी, इधर से जो है मेरे को ऊपर करनी पड़ेगी। अंकल आप लोगों को दिखे गए होंगे, भाई इधर पे आ चुका है वो पागल जैसा, ये देखो कैसे उछले जा रहे हैं। भाई एक नंबर का बेवकूफ है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इधर पे जो है तुम्हारा भाई वैसे इसे कुछ नहीं कर पाएगा यार, ये मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन इधर से जो है तुम्हारा भाई ऊपर चल लेता है। अबे यार भाई तू नीचे क्यों गिर जा रहा है भयंकर? चलो इधर पे वो पीछे गया होगा यार, पीछे से वो कभी भी आ सकता है। आ सकता है क्या? आ गया भाई, नाम लिया भाई, एकदम 1000 साल बाद जिएगा तू। चलो ये निकल जाए इधर से, मेरे को तो नहीं पकड़ पाएगा तू। इधर पे जो है तुम्हारा भाई एकदम पार्कोर चैंपियन है, इधर पे अंडे फेंक के भी मारता ही है। हाँ मैं बोल रहा था ना भाई, इसके पास अंडों की कमी नहीं है भाई, इतने अंडे है ना भाई इसके पास, कभी भी फेंक के मार देता है। चलो इधर से वो अंदर तो जा चुका था, इधर पे जो है मैं आराम आराम से चढ़ने वाला हूँ इस बार। इस बार इधर से चढ़ के फिर इधर पे मेरे को ये एक चीज़ रखनी पड़ेगी, इधर पे ये चीज़ रख देता हूँ इधर पे। लेकिन पहले जंप करता हूँ। अबे शिट यार भाई, मैंने इधर पे कांच तोड़ दिया था। अंकल कहाँ से आ रहे? अंडे फेंक के देखो कैसे मार रहा है अभी, जो इसने अंडे फेंके थे। एक और बार फेंक के दिखा दे, चल अंकल एक और बार फेंक के दिखा दो भाई। भाई एक नंबर का पागल है, देखा अभी कुछ नहीं कर पा रहा, एक नंबर का पागल है भाई, मैं सही बता रहा ये। तो चलो इधर पे जो है मैं फिर से ऊपर आ चुका हूँ, इधर पे पहले मैं ये हाथ में पकड़ लेता हूँ, इधर से जंप। अबे जंप करनी थी यार, मैंने उसे पहले ही फेंक दिया, इधर पे जंप करके इधर यहाँ नीचे पे रख दिया। चलो लेकिन कोई नहीं यार, सबसे पहले मेरे को एक बॉक्स तो लेके आना ही पड़ेगा, एक बॉक्स जो है उधर पे तोड़ने के लिए भी चाहिए होता है। चलो इसे ले लेता हूँ, इधर से ऊपर चढ़ता हूँ। फिर इधर से ऊपर आने के बाद बस इस डब्बे के ऊपर चढ़ना है, इस डब्बे के ऊपर चढ़ने के बाद फिर बस अब यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा मेरे को। अबे यार छत पे क्यों नहीं चढ़ पाता भाई ये? चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, छत पे तो मैं इसको चढ़ा के रहूँगा। ये देख भाई, एक तो ये चढ़ने में इतना टाइम लगाता ना भयंकर, तब तक तो अंकल के पूरा खानदान ही आ जाएगा। मैं सही बता रहा है यार भाई, ये पागल कर देगा भाई मेरे को, पहले तो मैं ऊपर चढ़ के ही दिखाता हूँ। इतना टाइम लग गया ना इधर ऊपर आने में। चलो कोई नहीं, इधर से अब जो है आगे वाला पाथ जो है बहुत ज़्यादा इजी है, इधर बस अंदर आने का ही था। इधर पे अभी देखो इसकी कांच तोड़ देता हूँ भयंकर ये। भाई मेरे दोस्त को इधर पे किडनैप कर दिया। चलो इधर पे ये तोड़ दिया है, इधर से इसे नीचे जाने देते हैं। इधर पे जाने के बाद मेरे को ये पेंटिंग निकालनी पड़ेगी। ये देखो भाई, ये अंकल इतने ज़्यादा खुफिया है ना भयंकर, अभी तो बहुत सीक्रेट इसने रख रखे अपने घर पे। इधर पे इसे बंद करने के बाद इधर से मैं अंदर जा लेता हूँ। अंदर जाने के बाद सबसे पहले मेरे को ये खोलना पड़ेगा, ये खोलने के बाद मेरे को चाहिए इधर पे की। ये जो है इधर पे ये कार की है, कार की मैं इधर पे ले लेता हूँ। कार की लेने के बाद इधर पे ये येल्लो की देखो यहीं पे रखी हुई है, ये जो है इस घर की है। चलो कोई नहीं, इसे मैं उठा लेता हूँ पहले। इसे उठाने के बाद मैं इधर पे लगा देता हूँ ये। ये लगाने के बाद इधर पे जो है तुम्हारे भाई ने ये सब खोल दिया है। भाई अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इधर से नीचे चलता हूँ। अब ये कार की से मेरे को पता नहीं क्या चीज़ मिलने वाली है, मैग्नेट मिलेगा। हाँ याद आ गया मेरे को, अंकल कहाँ से आ रहे भाई? भाई मैं अंकल के ऊपर ही कूद गया था क्या? अंकल जैसे ही मेरे को पीछे देखने के लिए आ गए, हेलो अंकल क्या हालचाल। इधर से ये खोलने के बाद इसे ओपन कर देता हूँ, इधर से मिल जाएगा मेरे को मैग्नेट उठा लेता हूँ। मैग्नेट उठाने के बाद मेरे को पीछे जाना पड़ेगा, इधर अंकल तो कहीं नहीं आ रहे। चलो कोई नहीं, इधर पे अंकल की लाइट बंद कर सकता हूँ क्या मैं? अंकल के घर की लाइट ही बंद कर देता हूँ भयंकर। इधर पे आएगा वो देखने के लिए, अभी देखना वो इधर देखने के लिए आएगा। मैं पता नहीं अंकल के साथ क्यों मस्ती किए जा रहा हूँ। चलो कोई नहीं, अभी जो है मेरे को यहाँ से एक चीज़ निकालनी पड़ेगी। चलो इधर पे ये क्रोबार मेरे को मिल चुका है, इसका कुछ काम नहीं है यार, इसे डिटैच कर लो इधर पे। लेकिन एक चीज़ चाहिए थी। अबे हेलो अंकल क्या हालचाल। चलो ये वाली चीज़ जो है तुम्हारे भाई को चाहिए थी, ये पहले मैं उठा लेता हूँ। इधर पे ये उठाने के बाद इसका वैसे भी कुछ काम नहीं है, अंकल के मुंह पे फेंक के मारता हूँ। चलो कोई नहीं, अंकल के मुंह पे बाद में फेंक दूंगा यार, बेचारे अंकल। इधर पे तो नहीं है ना, बस इधर से मेरे को ये डोर खोलना पड़ेगा। चलो ये खोलने के बाद इधर से मेरे को बस ये चीज़ चाहिए थी, इधर पे ये ले लेता हूँ मैं। अबे ले ले यार। चलो ये लेने के बाद इधर से मेरे को बाहर जाना पड़ेगा, इधर से बाहर कूद लेता हूँ। चलो अब ये चीज़ जो है मेरे को मिल चुकी है, अब जो है इसकी बेसमेंट में जाने का रास्ता बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। इधर से ये खोल देता हूँ, इधर से लेकिन मैं ऊपर चल लेता हूँ, कुछ काम नहीं है। इन सारी चीज़ों का भी कुछ काम नहीं है, इधर से मैं आगे चल लेता हूँ।
आगे चलने के बाद इधर इसके यहाँ पे कूदना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे जंप करने के बाद मेरे को ये खिड़की तो हटानी है, लेकिन उससे पहले मेरे को ये रेड वाली की लेनी पड़ेगी। इसका बहुत काम है, मेरे को तो लग रहा है शायद अंकल इधर भी टीवी देख रहे होंगे। चलो कोई नहीं, अंकल को टीवी देखने देते हैं। अंकल अपना मौज लेते रहो भयंकर। इधर पे आ गए अंकल, देखा मेरे को लग ही रहा था इधर पे अंकल आने वाले हैं। अब जो इस रेड की का काम इसके बेसमेंट में होगा। इसके बेसमेंट का रास्ता इधर से है, बस अंकल ना देख ले। चलो इसकी बेसमेंट का रास्ता यहाँ से है। अबे क्यों देखे जा रहे हैं। चलो इधर से जो है मैं इसकी बेसमेंट में जा चुका हूँ। इसकी बेसमेंट में जो है तुम्हारा भाई आ चुका है। इधर पे अंदर जा लेता हूँ। इधर पे अंदर देखो भाई, इसने ये पता नहीं क्या कूलिंग सिस्टम इधर पे बैठा रखा है। कूलिंग नहीं है वैसे, ये हॉट ड्रायर है। स्टीम लेता होगा शायद अंकल इधर पे। चलो कोई नहीं, इधर से जो है मेरे को यहाँ अंदर जाना था। ये जो है इधर पे वॉशिंग मशीन लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है। अंकल इधर पे काला जादू करते हैं इधर पे, देखा। अच्छा काला जादू नहीं है यार, इधर पे इस बच्चे को रख रखा शायद, जो मेरा दोस्त था ना भाई उसी को पकड़ के रख रखा। चलो कोई नहीं, सबसे पहले तो मैं इस ग्रीन स्क्रीन को यहाँ पे हटाता हूँ। ग्रीन स्क्रीन है या पता नहीं कौन सी स्क्रीन लगा रही। उससे पहले जो मैं ये बता देता हूँ, ये जो है इसका एक इलेक्ट्रिक वो है भाई, ये बाद में काम आएगा, अभी जो है इसका कुछ काम तो है नहीं वैसे। चलो कोई नहीं, इधर पे जो है मेरे को एक रास्ता खोलना पड़ेगा इधर से। यहाँ से तो नहीं खुलेगा वो रास्ता। वो रास्ता खुलेगा भाई, ये देखो पुतले ऐसे रख रखे ना जैसे मैं डर ही जाऊँगा। वैसे तो अंकल से तो मैं डर नहीं रहा, इस पुतलों से डर जाऊँगा जैसे। चलो इधर से मेरे को ये हटा के इधर पर ये फेंकना था। चलो ये खोल देते हैं। ये खोलने के बाद मेरे को ये पकड़ के इधर पे ये फेंकना था। इधर पे जो है मैं यहाँ जा लेता हूँ। यहाँ से मेरे को ये बंद करना पड़ेगा बस। ये खोलने के बाद पहले मैं ये पूरी लाइट इधर पे बंद कर देता हूँ। लाइट बंद करने के बाद मेरे को इधर से, हाँ यहीं पे जाना था, इधर पे ये वाला दरवाज़ा ओपन हो जाएगा। इधर पे ये भी लॉक ही होगा फिर, लग ही रहा था मेरे को। ये भी लॉक नहीं है। चलो ये रहा ना वो रास्ता, वो रास्ता जो है इधर से पूरा लिंक करता है। चलो ये भी जो है तुम्हारे भाई ने खोल दिया है इधर पे। ये देखा ये रास्ता जो है इधर पे लिंक करता है। और ये इसका भाई यहाँ पे भी टीवी रख रखा भयंकर, यहाँ पे भी टीवी देखता होगा अंकल। इधर पे जो है एग्जिट ये रही, इधर से जो है मैं एग्जिट कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले जो है मेरे को ये जनरेटर इधर पे बंद करना पड़ेगा। चलो ये जो है तुम्हारे भाई ने जनरेटर इधर पे बंद नहीं वैसे खोल दिया है। इधर पे जो है लाइट खोल के आ जाता हूँ मैं इधर पे, लेकिन उससे पहले जो है मेरे को ये ईंट यहाँ पे तोड़नी पड़ेगी। चलो ये जो है तुम्हारे भाई ने तोड़ा फोड़ी कर दिया इधर पे, ये जो है अभी नहीं खोल सकता। चलो उसे जो है मैं बाद में खोल दूंगा। इधर पे जाके जो है मेरे को अब वो लाइट खोलनी पड़ेगी। इधर पे लाइट खोलने के लिए मैं चले जाता हूँ फिर। इधर पे जनरेटर मैंने बंद कर रखा था ना, ये जो है मैं खोल देता हूँ। इधर से स्केप अब हो ही जाएगा। ये जो है एक्ट वन है, आप लोगों को पता ही होगा। इधर पे जो है तीन एक्ट है, तीन ही वैसे चार है, इधर पे फाइनल वाला भी है। सीधा जाने के बाद जो है इधर पे स्केप हो ही जाएगा भाई। ये एक्ट वन इतना इजीली था ना भाई स्केप करने के लिए। इधर पे जो है मैं ये ओपन कर देता हूँ। ये ओपन होने के बाद ये ओपन हो जाएगा एक बार, ये ओपन करके देखूँ तो ये ओपन हो गया। चलो इधर पे जो है एग्जिट तुम्हारे भाई ने कर दिया है भाई, बहुत इजीली तुम्हारे भाई ने ये एग्जिट कर दिया है। इधर पे ये उठा लेता हूँ पहले। तो चलो गाइस आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और इधर पे जो है वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इधर से जो मैं भाग के चल लेता हूँ। अभी अंकल जो है भाई मेरे पीछे पड़ने वाले हैं एकदम। टेम्पल रन मतलब सस्ता टेम्पल रन होने वाला है इधर पे। इधर पे अंकल मेरे पीछे ही आ रहे हैं ना, पीछे आ रहे हैं अंकल। चलो इधर पे जो है अंकल मेरे पीछे ही आ रहे हैं। इधर पे टेम्पल रन होने वाला है, इधर पे अंकल मेरे को पकड़ ही लेंगे। इन तीन की मेरे पास चाबी नहीं है। इधर पे एक्ट टू शुरू हो चुका है। चलो ये जो है एक्ट टू मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लूँगा। और मिलते हैं आप लोग उस नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन भाई अंकल ने बहुत ज़्यादा पेल रखा है भाई, इसका एक जूता भी ले लिया और सॉक्स भी फाड़ दी भाई। अंकल ने पकड़ लिया ना भाई, बहुत तगड़ा मारा है इधर पे। और इधर पे मेरा दोस्त पता नहीं इसने कहाँ बेसमेंट में छुपा रखा है।